जय श्री कृष्ण। भक्तों, जो सत्संग की महिमा होती है, सत्संग की महिमा कोई भी नहीं जा सकता। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य आए, तुलसी संगत साधकी हरे कोट अपराध। एक घड़ी चाहे एक घड़ी में से आधी घड़ी भी सत्संग किया जाता है तो अनंत जन्मों के पाप जलकर के भस्म हो जाते हैं। इसलिए जब भी समय निकालो, समय निकाल कर के सत्संग अवश्य करो। संतों का संग करना चाहिए। संतों का संग करने से भगवान श्री हरि से अनंत जन्मों का जो वियोग है वो दूर हो जाता है। अगर परमात्मा से मिलना है तो सबसे शॉर्टकट रास्ता है सत्संग। एक बार की बात है, वशिष्ठ मां मुनि विराजमान है, वहीं पर विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं। विश्वामित्र जी से वशिष्ठ जी कहते हैं कि सबसे बड़ी सत्संग की महिमा है। विश्वामित्र जी कहने लगे, भगवान तपस्या सबसे बड़ी है, सबसे श्रेष्ठ तपस्या कही जाती है। तपस्या में साधन करना पड़ता है, शरीर को कष्ट देकर के तब तपस्या की जाती है, नियम धारण किए जाते हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे मुनिवर, सत्संग जो है वो श्रेष्ठ है, तपस्या को भी श्रेष्ठ माना जाता है, तपस्या भी श्रेष्ठ है, परंतु सबसे ज्यादा सत्संग श्रेष्ठ है। क्योंकि तपस्या तो राक्षस भी कर लेते हैं। आप देखो, राक्षस सबसे पहले तपस्या करते थे। तपस्या राक्षस भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, देवता भी करते हैं, परंतु सत्संग केवल भक्त करते हैं। कोई भी राक्षस सत्संग करता हुआ नहीं दिखेगा। जो नास्तिक है वो कभी सत्संग करता हुआ नहीं दिखेगा। तभी तो कहते हैं, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। जब तक श्री हरि की कृपा नहीं होती तब तक सत्संग प्राप्त नहीं होता। दोनों ऋषिवरों में बहस हो गई, दोनों मिलकर के ब्रह्म लोक जाते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा ये ऋषिवर आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप इसका निवेदन भोलेनाथ से करें। भोलेनाथ ने देखा कि किसको छोटा किसको बड़ा कहूं, आप सीधे विष्णु लोक जाएं। भगवान विष्णु ने कहा कि इसका निवारण शेषनाग जी करेंगे। शेषनाग अनंत भगवान के पास पहुंचे। अनंत जी ने कहा कि मुनिवर, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। सबसे पहले विश्वामित्र जी को बुलाया कि आप तत्व बल से इस ब्रह्मांड को धारण करें, क्योंकि इस ब्रह्मांड के भार को सहते हुए मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा, अगर मेरी 40,000 वर्ष की तपस्या शेष है तो ब्रह्मांड मुझ पर स्थिर हो जाए। ब्रह्मांड को जरा सा उठाने लगे, चिल्लाने लगे कि इसे मैं ग्रहण नहीं कर सकता। वशिष्ठ जी से कहा गया, वशिष्ठ जी ने कहा, अगर मेरा सत्संग श्रेष्ठ है, सत्संग की तपस्या से ज्यादा श्रेष्ठता है तो ब्रह्मांड धारण हो जाए। पूरे ब्रह्मांड को धारण कर लिया। विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रश्न का उत्तर दो, क्या बड़ा है। अनंत भगवान ने कहा, आप स्वयं ही इसकी देख सकते हो, मैंने परीक्षा करके आपको दिखा दिया है। तब विश्वामित्र जी भी उस दिन से सत्संग करने लग गए। इसलिए कहा जाता है कि जब भी समय मिले आप सत्संग अवश्य करो, आप भक्तों का संग करो, सत्संग श्रवण करो। सत्संग होता है जो भगवान की आप चर्चा श्रवण करते हैं, दो संत मिल जाते हैं। आज के समय तो यंत्र की सुविधा है, आप मोबाइल फोन पर भी सत्संग सुन सकते हैं। आप ये मत देखो किसके मुख से रस आ रहा है, किस ब्राह्मण के मुख से, संत के मुख से, व्यास के मुख से रस आएगा। आप केवल उसमें सत्संग सेवन करो, भक्ति से उसका सत्संग सेवन करो। भक्तों, आप हमेशा सत्संग सेवन करते रहें। अगर आपको इसी प्रकार की धार्मिक वीडियो चाहिए या कोई कथा सेवन करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आप कौन सी कथा आगे से सेवन करना चाहते हैं। वो कथा हम आपको चैनल के माध्यम से अवश्य सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण।